चुने अंधों में काणा राजा जो बजाएगा निगम का बाजा। इस मुहावरे का असली अर्थ निगम चुनाव में समझ आता है। देहरादून की जनता शायद इसी असमंजस में फंसी है कि किसे नगर निगम की मेयर सीट पर बिठाया जाए। ये असमंजस इसलिए भी है क्योंकि कोई भी प्रत्याशी राजधानी की मेयर सीट के काबिल नजर नहीं आता। शुरुआत निगम चुनाव नॉमिनेशन से करेंगे, जहां बड़े बड़े तथाकथित सूरमा अपना भाग्य आजमाने के लिए नॉमिनेशन का पर्चा भरा। कुछ महाशय ऐसे भी थे जो नॉमिनेशन पर्चा तो खुद का भर रहे थे पर तारीफों का गुणगान किसी और प्रत्याशी का कर रहे थे। अब इनकी तारीफों की मंशा तो जनता भी भली भांति समझ जाती है। यह देखकर पहले शायद हंसी ना रुकी जाए, पर अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो उत्तराखंड में राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है ये सोचने को मजबूर कर देता है। कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियों के छुटबैया नेता ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ बड़े नेताओं के तलवे चाटने में अपना टैलेंट दिखाया है, जो सिर्फ चमचागिरी को ही राजनीति समझ बैठे हैं। ऐसे लोग या तो बड़े नेताओं की आवभगत करते हुए नजर आते हैं या फिर केवल चुनाव के 3-4 महीने पहले सक्रिय होकर बैनर पोस्टरों में नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेयर के प्रत्याशी सुनील उनियाल गामा के बारे में कहा जाता है कि ये केवल पोस्टर बैनर में ही दिखाई देते हैं और मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी माने जाते हैं। कभी चौमिन मोमो का ठेला लगाने वाले गामा आज देहरादून के मेयर सीट का प्रत्याशी प्रबल दावेदार भी है। आखिर यह भारत देश है, हर किसी को यहाँ आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। जब चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है तो मोमो चौमिन वाला मेयर क्यों नहीं। पर खुशी शायद देहरादून की जनता को तब ज्यादा होती अगर ये पोस्टर मैन मेयर का टिकट मुख्यमंत्री के आगे पीछे नहीं बल्कि जनता की सेवा करके अपनी काबिलियत के दम पर ताल ठोक के मेयर टिकट पाता। उत्तराखंड राजनीति ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि यहाँ टिकट काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि आव भगत के दम पर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं किन्नर नेता रजनी रावत की, जो अब आम आदमी से मेयर का चुनाव लड़ रही है। मैडम इस समय चुनावी दौर में खूब सक्रिय हो चुकी हैं। मैडम किन्नर होने का अपना भावनात्मक वोट गली गली घूमकर मांग रही हैं। जनता को अपने परिवार समझने वाली मैडम उस समय सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जब मैडम सड़क पर किसी को भी नंगा करके पीटने लगती हैं, जब इन्हें ना कानून का खौफ रहता है ना पुलिस का डर। अपने घर में ये किसी को भी कुत्ते के संगल डलवा कर नंगा नाच करवा देती हैं, किसी को भी चाहे धमकी दे देती हैं और किसी को भी चाहे गंजा करवा देती है। ये मैडम की छवि का दूसरा पहलू भी दिखाता है। अगर ये गलती से सत्ता पर विराजमान हो जाती है तो शहर का कैसा भयावह मंजर होने वाला है, इसका अनुमान लगाना शायद कोई मुश्किल नहीं। अब बात करते हैं कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दिनेश अग्रवाल की, जो इस समय अपने बालों की चमक दिखाकर अपने वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बालों की सफेद चमक के अलावा इनमें शायद दूसरा कोई टैलेंट नजर नहीं आता। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद विधानसभा चुनाव हारने के बाद फिर से ये कांग्रेस का बूढ़ा शेर मेयर सीट के लिए दहाड़ लगाते हुए नजर आते हैं। अब राजनीति में इनका गिरता ग्राफ और इनके बनावटी दहाड़ कितना जनता का ध्यान खींच पाती है, यह तो नगर निगम चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। अगर इन सब बातों का निचोड़ निकालें तो कोई मेयर प्रत्याशी नजर नहीं आता जो ग्रीन दून क्लीन दून के सपने को साकार कर सके। जब घर घर में कूड़े की गाड़ियां नहीं आती, नालियां और शहर की हालत दयनीय होती है, जब शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में हमारा शहर हमेशा पिछड़ा नजर आता है, तब हमें निगम चुनाव के असल मायने समझ आते हैं, क्योंकि परेशानियां आम लोगों के घरों में होती हैं, आम लोगों को ही बिजली पानी जैसी रोजमर्रा की परेशानियों से उलझना पड़ता है। जनता ही अपना मेयर और पार्षद को चुनती है। शायद ये देहरादून शहर का दुर्भाग्य ही समझेंगे कि हमें यहाँ राजनीति के गिरते स्तर के चलते ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाना पड़ रहा है जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में उतरे हैं। हमारा उद्देश्य किसी प्रत्याशी की छवि खराब करने का नहीं बल्कि एक साफ और सुंदर नगर निगम बनाने का है। आपसे अनुरोध है कि अपने आसपास सफाई रखें, कूड़ा करकट केवल कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है। ग्रीन उत्तराखंड क्लीन उत्तराखंड एक पहल, साथ ही साथ आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। न्यूज डेस्क टाइम विटनेस न्यूज के लिए पंकज कपूर की ये खास रिपोर्ट।